कोरोना वायरस के प्रकोप से जहां पूरा विश्व दहशत में है, वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव का कहना है कि निरंतर योग करके इस वायरस से बचा जा सकता है। प्राणायाम करके और गिलोय का सेवन करके कोरोना से आराम संभव है तथा तुलसी, अदरक और काली मिर्च का अधिक से अधिक सेवन किया जाए। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य योग शिक्षक रजनीश शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि कोरोना से बचाव हेतु स्वामी रामदेव के निर्देशानुसार लोगों को जागरूक किया जाएगा। कोरोना वायरस के प्रकोप से जहां पूरा विश्व दहशत में है, वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव का कहना है कि निरंतर योग करके इस वायरस से बचा जा सकता है। प्राणायाम करके और गिलोय का सेवन कर कोरोना से आराम संभव है तथा तुलसी, अदरक और काली मिर्च का अधिक से अधिक सेवन किया जाए। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य योग शिक्षक रजनीश शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि कोरोना से बचाव हेतु स्वामी रामदेव के निर्देशानुसार लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस वायरस से बचाव के लिए लोग सफाई का विशेष ध्यान रखें, गर्म पानी का सेवन करें, हर प्रकार के नशे से दूर रहें, भीड़ वाले एरिया में मास्क लगाकर जाएं। मुख्य योग शिक्षक रजनीश शर्मा ने कहा कि गिलोय, अदरक, शहद, काली मिर्च और तुलसी का अधिक से अधिक सेवन कोरोना से बचाव में कारगर है। कोरोना की स्थिति में हर दिन सुबह शाम एक घंटा प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम उपयोगी है। आज देखिए निपी जी, ऐसा है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा चला हुआ है, जिसको लेके हमारे पूज्य स्वामी आदरणीय रामदेव जी ने हरिद्वार में ये बात कही है कि इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। उसके लिए पूज्य स्वामी जी ने निर्देश दिए हैं, उसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे समाज को बताया है कि इसके लिए हमें जो है वो सुबह शाम दो टाइम योग प्राणायाम करना पड़ेगा और खाने पीने का परहेज करना पड़ेगा। हमारे को इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमें गर्म पानी का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, हमें ग्लोए लेनी पड़ेगी, जो कि आज हमने अपनी उसमें बताया भी है। ये ग्लोए जो है वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, ग्लोए ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़ करना है और गर्म पानी पीना है, हमारे को ज़्यादा तुलसी लेना है और शहद लेना है, हमें शहद के साथ हमें जो है वो अदरक लेना है। और प्राणायाम में हमने बताया कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी उद्गीत मुख्य प्राणायाम जो है वो हमें करने हैं। खाने पीने में हमें जो है वो शुद्ध सात्विक भोजन करना है, हमें नॉन वेज से जो मांसाहारी से जो बचना है और हमें अपनी दिनचर्या में जो है कम से कम लोगों को मिलना है, भीड़ वाले इलाके में कम से कम जाना है, हमें आधे घंटे बाद अपने हाथों को धोना है। हाथों को सैनिटाइजर के साथ भी धो सकते हैं या आप साबुन के साथ भी धो सकते हैं। और ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे हम जाते हैं वहाँ पे हमें मास्क का यूज़ करना है, मास्क लगा के हमें लोगों के बीच जाना है। ऐसी बातें हमने ये आज लोगों के बीच में कहीं है, इन्हीं इसी से हम जो कोरोना वायरस से बच सकते हैं।